क्या प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस में हमें फेल किया जा सकता है? अगर हमारा कोड रन नहीं हुआ तो क्या होगा? जब एक्सटर्नल्स आएंगे प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस के टाइम तो बहुत ज़्यादा टफ प्रैक्टिकल कंडक्ट किया जाता है क्या? ऐसे काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आपके मन में होंगे। तो इस वीडियो में गाइज मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन से रिलेटेड सारी जो चीज़ें हैं वो बताने वाला हूँ। जैसे अगर आपकी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस होती है और एक्सटर्नल आते हैं तो कैसी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होगी, अगर कोड रन नहीं होंगे तो फिर आप क्या कर सकते हो, इसके अलावा और भी काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए ताकि आपको ये सारी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए। तो सबसे पहले गाइज मैं आपको ये बताता हूँ कि जो प्रैक्टिकल है वो किस टाइप से कंडक्ट किए जाते हैं और फिर मैं आगे की सारी जो चीज़ है वो आपको बताता हूँ, जैसे फेल वगैरह किया जाता है या नहीं। तो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस की सबसे पहले तो जो डेट्स है वो आती है एग्जाम के पहले। मेनली जो प्रैक्टिकल्स है वो कंडक्ट किए जाते हैं, कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ में एग्जामिनेशन के बाद भी जो प्रैक्टिकल्स है वो लिए जाते हैं, ठीक है। तो एक तो एग्जाम के पहले होंगे या फिर बाद में होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट गाइज जिस दिन प्रैक्टिकल की डेट्स आपको पता चलेगी उस दिन जो टीचर्स है वो हमें ये भी बताते हैं कि इस बार एक्सटर्नल आने वाले हैं या फिर नहीं आने वाले हैं। तो जब भी एक्सटर्नल आते हैं तो गाइज कॉलेज वाले भी जो थोड़ी चीज़ है वो थोड़ी स्ट्रिक्ट रखते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने जो भी असाइनमेंट्स वगैरह वो कंप्लीट करना पड़ता है ताकि आपकी पूरी जो फाइल है वो रेडी हो जाए उन सब्जेक्ट्स की, क्योंकि जिस दिन प्रैक्टिकल आपका रहता है उस दिन आपको वो जो फाइल वगैरह वो भी सबमिट करनी होती है। जब प्रैक्टिकल की डेट्स आती है तो कुछ दिन बाद हमें पता चलता है कि इस बार कौन से टॉपिक्स पे जो प्रैक्टिकल है वो परफॉर्म करना है, ठीक है। मेनली तो ऐसे ही होता है कि एक पूरी लिस्ट आती है जितने भी आपको प्रैक्टिकल होंगे आपके करिकुलम में, उसमें से जो मेन मेन प्रैक्टिकल्स या फिर जो भी चुने जाते हैं वो प्रैक्टिकल्स की आपको जो लिस्ट है वो दी जाती है, ठीक है। वो सारे जो प्रैक्टिकल्स है वो आपको अच्छे से करना पड़ता है, मतलब प्रिपेयर करना पड़ता है। और जिस दिन आपका प्रैक्टिकल होता है उस दिन आप वहाँ पर जाके अपने मन से जो प्रैक्टिकल है वो नहीं कर सकते हो। मेनली तो ऐसा होता है कि एक्सटर्नल वहाँ पर बैठा होता है, वहाँ पे सारी चीट्स होती है, जो भी आपके सिलेक्टेड टॉपिक्स होंगे प्रैक्टिकल के लिए उनमें से कोई भी रैंडमली आपको जो चीट है वो उठानी पड़ती है, जो मेन टॉपिक है वो देखना पड़ता है और उसको शीट पे लिखना पड़ता है और फिर उसको जो है वो परफॉर्म करना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें जो है गाइस वो लक बहुत ज़्यादा काम में आता है। जो आपने प्रैक्टिकल किया अगर वही आपको चीट में मिल गया तो बहुत बढ़िया, और जो प्रैक्टिकल आपको नहीं आता है अगर वही मिल गया तो फिर आगे जाके आपको प्रॉब्लम जो है वो हो सकते हैं। उसको कैसे टैकल करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चीट उठाने के बाद आपको कंप्यूटर पर जाके बैठना पड़ता है, अगर कोड है तो कोड परफॉर्म करो या फिर और दूसरा कुछ है तो वो आपको जो है वो परफॉर्म करना पड़ता है। परफॉर्म करने के बाद जैसे ही कोड वगैरह रन हो गया तो आपको इन्फॉर्म करना पड़ता है कि कोड रन हो गया है, फिर एक्सटर्नल आपके पास आता है उसी कोड से रिलेटेड आपको वो जो क्वेश्चन है वो पूछ सकता है या फिर जनरल आपको जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर आपका कोड है तो आपको हो सकता है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछी जाए या फिर उसमें जो स्टेप्स या फिर जो लूप्स आपने यूज़ किए हैं तो वो क्यों किए हैं, ऐसे सारे जो क्वेश्चन है वो आपको पूछे जाते हैं। और अगर आप सारी चीज़ें सही से बताते हो तो फिर आपको जो है वो जाने दिया जाता है और ऐसे ही आपका जो प्रैक्टिकल है वो ख़त्म हो जाता है। तो इस टाइप से गाइस आपकी जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट की जाती है मेनली। कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ में थोड़ा अलग भी टाइप हो सकता है बट मेनली ऐसे ही जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है वो होती है। अब गाइस मैं आपको काफ़ी सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के बारे में बताऊँगा, तो थोड़ा जो है वो ध्यान से सुनना, ठीक है। सबसे पहले गाइस हाउ टू स्टडी फॉर प्रैक्टिकल, ठीक है। तो जब भी आपको लिस्ट मिलेगी कि ये सारे जो प्रैक्टिकल्स है वो आने वाले हैं तो उसमें से देख लीजिएगा कि कौन से जो प्रैक्टिकल्स है जो कि आपको आते हैं, ठीक है। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जब आप जाओगे तो मेनली आप प्रैक्टिकल्स वगैरह अटेंड करोगे तो उस टाइम उतना प्रॉब्लम नहीं आता है, आपको पता रहता है कि कौन से प्रैक्टिकल है और कैसे इन्हें परफॉर्म करना पड़ता है। बट जब आप थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में जाओगे तो थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में मेनली जो स्टूडेंट्स है वो लेक्चर्स या फिर प्रैक्टिकल्स वगैरह जो है वो अटेंड नहीं करते, फाइनल ईयर वाले तो मतलब बहुत ही कम करते हैं, फिर उनको अटेंडेंस का ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता है बट नहीं करते अटेंड, ठीक है। तो उनको ये प्रॉब्लम हो सकता है कि उनको पता ही नहीं कि कौन से प्रैक्टिकल वगैरह हो। तो जिस टाइम आपको पता चलेगा कि ये सारी लिस्ट है और इसमें से हमें पूरा जो है वो प्रिपेयर करना है तो उसमें से देखो कि कितने जो प्रैक्टिकल है वो आपको आते हैं, ठीक है। क्योंकि जब रैंडमली हम चीट उठाते हैं तो उसमें प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा जो काम है वो करती है। जितने ज़्यादा प्रैक्टिकल आपको आते रहेंगे उतनी ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि जो आपने प्रैक्टिकल किया है वही आपको जो है वो परफॉर्म करने मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले गाइस जो आपको लिस्ट मिलती है उसमें से जितना हो सकता है उतने जो प्रैक्टिकल्स है वो प्रैक्टिस करिए और परफॉर्म करके देखिए कि वो रन हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे। क्योंकि जब हम परफॉर्म करने जाते हैं तो वहाँ पर उनके कंपाइलर पर जो है वो रन नहीं होते और कुछ एरर्स आ जाते हैं, तो उनको रन करके भी देखना ताकि आपको प्रैक्टिकल के टाइम कोई भी जो प्रॉब्लम है वो फेस ना करना पड़े। सेकंड गाइस कहाँ से हमें स्टडी करना चाहिए, तो सबसे बढ़िया गाइस देखो अगर आपको प्रैक्टिकल्स के बारे में उतना ज़्यादा आइडिया नहीं है या फिर प्रैक्टिकल्स का जो कोड वगैरह वो समझा नहीं है तो बेस्ट प्लेटफॉर्म है यूट्यूब। जितना हो सकता है यूट्यूब को प्रीफर करो और वहाँ से जो आप कोड्स वगैरह है वो देख सकते हो और पढ़ाई करो, ठीक है। तो यूट्यूब बढ़िया प्लेटफॉर्म है, ठीक है। अब मैं आपको ये भी बताता हूँ कि कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो देखो गाइस जो भी आपने प्रैक्टिकल किया होगा, ठीक है। तो सपोज़
फिबोनाची सीरीज़ का आपको कोड रन करने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो उसमें आपने जो लूप्स लगाया है तो लूप्स क्यों लगाया है, लूप्स कितने बार रन हो गए, ये सारी जो चीज़ है वो आपको पूछ सकते हैं। या फिर जो सब्जेक्ट में वो कोड होगा तो उसको सब्जेक्ट के बारे में आपको जो बेसिक से डेफिनेशन या फिर बेसिक जो चीज़ है वो पूछ सकते हैं। मेनली जो डिफरेंस बिटवीन वगैरह ये सारी जो चीज़ है वो पूछी जा सकती है, और वो कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये सारी जो चीज़ें मेनली यही जो है वो पूछा जाता है। पूछने में इतना कुछ नहीं होता है, अगर आपका कोड रन हो जाता है तो ज़्यादा चीज़ें जो है वो आपको नहीं पूछी जाती है, बेसिक से जो चीज़ है वो आपको जो है वो पूछी जाती है, ठीक है। अगर कोड रन नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे, इसके बारे में बात करते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो गाइज, अगर आपका कोडिंग वगैरह का है और अगर आपका कोड रन नहीं होता है तो फिर आपको थोड़े बहुत जो प्रॉब्लम्स है वो हो सकते हैं। उस टाइम आप एक चीज़ कर सकते हो कि आपका जो भी टीचर होगा उनको आप बोल सकते हो कि आपको जो टॉपिक है वो चेंज करना है, या फिर जो कोड आपको मिला है उसको आप चेंज करना है। तो ऐसा होता है कुछ कुछ कॉलेजेस में कि जो कोड है वो चेंज करके आपको देते हैं, बट उस टाइम भी जब चेंज करके देते हैं तो उस टाइम भी आपको रैंडमली वो जो चिट है वो उठाना पड़ सकता है। तो कुछ कॉलेजेस में रैंडमली उठाने के लिए बोलते हैं और कुछ कॉलेजेस में पूछते हैं कि आपको कौन सा करना है। तो ऐसा हो सकता है, अगर आपको पूछा जाता है कि ये कोड करना है कर सकते हो आप, तो फिर तो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा, वो आप कर लेना। बट अगर उसमें भी रैंडमली उठाते हैं तो फिर थोड़ा और जो प्रॉब्लम है वो हो सकता है। बट इस टाइम ऐसा होता है कि अगर आप टॉपिक चेंज करते हो तो फिर आपके 5 या फिर 10 मार्क्स जो है वो माइनस भी किए जा सकते हैं, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना कि अगर आप टॉपिक चेंज कर रहे हो तो फिर आपके जो मार्क्स है वो माइनस कर सकते हैं। ऐसा मेनली कॉलेजेस में होता है, और अभी हमारे प्रैक्टिकल्स हुए तो उसमें भी ऐसा ही हुआ कि जिन्होंने भी कोड जो है वो चेंज किया और दूसरा टॉपिक लिया तो उनके फिर -10 या फिर -5 जो मार्क्स है वो किए गए, ठीक है। तो अगर कोड रन नहीं होता तो डायरेक्ट फेल नहीं किया जाएगा, आपको जो दूसरा टॉपिक वगैरह वो दिया जाएगा उस पर फिर जो है वो आप परफॉर्म कर सकते हो। बट एक चीज़ याद रखना, कुछ ना कुछ तो जो है वो आपको आना चाहिए, ठीक है। अगर आप एकदम ही ब्लैंक जाते हो कोई भी कोड या फिर कुछ भी नहीं आता है तो फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको जो है वो फेस करना पड़ सकता है। कम से कम 2-3 तो प्रोग्राम जो है अच्छे से करके जाना, ताकि अगर उसमें से एक भी आए तो आप जो है वो अच्छे से परफॉर्म कर पाओ, ठीक है। अब नेक्स्ट है गाइस, क्या अगर फेल किया जाता है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में, तो गाइस रेयरली ऐसा बहुत रेयर होता है कि जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है उसमें स्टूडेंट्स को जो है वो फेल किया जाए, ठीक है। मतलब बहुत ही कम होता है कि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में फेल किया जाता है। मेनली फेल उनको किया जा सकता है जो कि एबसेंट रहता है, या फिर एकदम ही ऐसे स्टूडेंट जिनको मतलब कुछ भी नहीं आता है, या फिर जिनका टीचर्स के साथ एकदम झगड़ा वगड़ा है और उनको कुछ भी नहीं आता है, तो उस टाइम जो है वो फेल वगैरह कर सकते हैं। बट अगर आपको थोड़ी बहुत भी चीज़ें आती है और अगर आप थोड़ा बहुत भी परफॉर्म या फिर क्वेश्चंस के आंसर करते हो तो आपको जो प्रैक्टिकल में वो पास किया जा सकता है। हो सकता है कि आपको जो मार्क्स है वो कम मिले, बट प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस में फेल होना ऐसा बहुत जो रेयर है वो हमें देखने को मिलता है। तो फेल होने के टेंशन से डरो मत, जितना हो सकता है उतना जो है वो पढ़ाई करो, ताकि आपको मतलब प्रैक्टिकल के टाइम कुछ ना कुछ जो है वो आ जाए। अब बात करते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में कि क्या प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में हम चीटिंग वगैरह जो है वो कर सकते हैं या नहीं। तो अगर आपको कोडिंग या फिर प्रोग्राम वगैरह रन करने ऐसा कोई आपको प्रैक्टिकल है, तो देखो अगर आपके पीसी में इंटरनेट कनेक्शन है तो आप इंटरनेट पर चीज़ें वगैरह जो है वो सर्च कर सकते हो। बट मेनली मैक्सिमम कॉलेजेस में जो है वो इंटरनेट कनेक्शन रह भी सकता है या फिर नहीं भी रह सकता है, ठीक है। ऐसा होता है, और ये भी होता है कि अगर इंटरनेट कनेक्शन वो देते भी है तो कुछ मेन मेन वेबसाइट जो है वो ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है, जिसके वजह से आपको जो कोड वगैरह वो नहीं मिलता है। तो इंजीनियर लोग हैं तो उनको भी, स्टूडेंट्स को भी ज़्यादा दिमाग होता है, तो वो भी अपनी खुद की वेबसाइट पे डाल देते हैं, क्योंकि वो सारी वेबसाइट्स तो ब्लॉक नहीं करेंगे, जो जो मेन मेन वेबसाइट्स है वो ब्लॉक करके रखते हैं, तो कुछ ऐसे भी करते हैं। तो जितना फिर उसमें आप दिमाग लगा सकते हो उतना दिमाग लगा कि आप फिर जो चीज़ है वो कर सकते हो। बस ऐसा कुछ मत करना जिससे आप लोगों के नज़रों में आ गए कि आपने चीटिंग की और प्रैक्टिकल परफॉर्म किया है, तो उससे फिर आपको जो है वो प्रॉब्लम हो सकता है। वरना फिर आपको जो करना है करो, बस किसी को दिखना मत, ठीक है। बाकी फिर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में फेल करने के जो चांसेस है वो काफ़ी कम होते हैं, और जो एक्सटर्नल है वो भी इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होते, कुछ कुछ ही होते हैं जो कि खड़ू से एकदम आ जाते हैं, जो कि एकदम मतलब तेरा कोड रन हुआ क्यों नहीं, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इतनी आना चाहिए, ऐसा होता है। बट वो एकदम रेयर होता है, बाकी एक्सटर्नल भी अच्छे होते हैं और इतना ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो नहीं होता है। बस ट्राई करना कि जितना हो सकता है उतना प्रिपेयर करो, और कोई ना कोई जो कोड है वो तो भी करके जाओ, ताकि अगर आपको कोड रन नहीं भी होता है, जो आपको मिला है वो नहीं हो रहा है, तो जो आपको आता है वो आप बता के उनको बोल सकते हो कि ये मैंने किया और रन किया, ठीक है। कुछ ना कुछ तो रन होना चाहिए, तो फिर आपको जो है वो पास वगैरह हो जाओगे और थोड़े बहुत आपको अच्छे खासे जो मार्क्स है वो भी मिल जाएंगे, ठीक है। ज़्यादा टेंशन मत लेना, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के बाद थ्योरी एग्जामिनेशन भी होती है, और अगर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में एकदम मोरल डाउन, मोटिवेशन खत्म हो जाएगा, तो फिर थ्योरी एग्जामिनेशन में भी जो प्रॉब्लम है वो होगा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट गाइज फॉर योर एग्जामिनेशन, जितना अच्छा होता है उतना अच्छा प्रैक्टिकल और अपने एग्जामिनेशन दो, ताकि आपका भी जो पॉइंटर है वो अच्छा जाए और फिर आगे प्लेसमेंट में बैठने को मिले और फिर
प्लेसमेंट फोड़ दो, ठीक है। साथ ही में बैकलॉग वगैरह लगा तो क्या प्लेसमेंट में प्रॉब्लम होता है वो वीडियोस मैंने बनाया, जाके देख लेना, उससे भी आपको अच्छा खासा जो मोटिवेशन है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना गाइस, होप सो आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और ऐसे वीडियोस के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा देना, ताकि टाइम टू टाइम सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे।